जय गुरु। चलिए आज ईस्टर व्रत के बारे में कुछ आलोचना प्रसंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक प्रश्न है, ईस्टर व्रत किसे देंगे? श्री ठाकुर बोले, ईस्टर व्रत ईष्ट कई दिस करिस ना तय वंचना, अन्यक ता दिलई जानीस आस्वे विपाक गंजना। 28 अनुसूति। अर्थात इष्टवृत्ति इष्टों को ही दो, उसमें छल प्रपंच मत करो, उसे दूसरे को देने ही से कर्म फल के स्वरूप दुर्भाग्य तथा तिरस्कार आएंगे। और एक प्रश्न है, इष्ट के अवर्तमान में इष्टवृत्ति कहाँ देना होगा? श्री ठाकुर बोल रहे हैं, इष्ट के अवर्तमान में उनकी संतान संतति के बीच सुनिष्ठ आचरण बान तन चर्य परायण उपयुक्त जो है उनके समीप अथवा उनके अभाव में सुनिष्ठ आचरबान तंत्र चर्य परायण उपयुक्त शिष्य जो है उनके समीप इष्ट प्रत्यर्थ इष्ट वृत्ति को भेजना होगा। वाणी संख्या 328 ध्रुति विधायक। इष्ट के और सजात संतान यदि इष्टवाही हो उन्हें को इष्टवृत्ति देना ही श्रेय है। आलोचना प्रसंग 7/101। प्रेम की एक गाड़ी परख यह है कि प्रिय के परिपंथी या प्रतिकूल जो या जो कुछ है उसे वहाँ एक झलक में ही पहचान लेना है, उसे वो समझाना नहीं होता है। आलोचना प्रसंग 4/118। भीतर में कपट रहने से कोई दूसरे को की कपटता को कपटता जानकर पकड़ ही नहीं सकता है, या समझकर भी समझाना नहीं चाहता है, समर्थन देकर चलता है। आलोचना प्रसंग 6/47। यही जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो कृष्ण को भजता है वो बड़ा चतुर होता है। मनुष्य इष्टमुखी होने से चतुर होगा ही, कुछ भी उसकी आंखों से वर्जित नहीं रहेगा। आलोचना प्रसंग 4/123। इष्टवृत्ति या स्वस्थैनी की कोई कैफियत नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। 328 ध्रुति विधान। विभाजन करने से ही नहीं चलेगा, यह उन्हीं के पास उन्हीं की इच्छा के अनुसार खर्च के लिए पहुंचाना चाहिए। दूसरे की इष्टवृत्ति संग्रह कर अपने पास जमा रखने से अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से उसको अपनी इच्छा से व्यवहार करने से वही विपरीत चलन उसी संवेग में विश्रृंखल संघात की सृष्टि कर व्यक्तित्व को भी अवसादग्रस्त कर देता है। वैसे इष्टार्थ इसी प्रकार से जो संग्रह करते हैं या जो दूसरे के हाथ में देते हैं, दोनों वैपरीत्य की दोषी होते हैं। मानी संख्या 277 ध्रुति विधायन। डाक रसीद तुम्हारे पाने के बाद ही यह इष्टवृत्ति स्वस्थैनी या जो कुछ नैवेद्य निवेदन ही क्यों ना हो वो तुम्हारे लिए तभी से सार्थक हो उठा। वाणी संख्या 328। इष्ट के अवर्तमान में इष्टार्घ्य इष्ट भाई संतान संतति, अभाव में इष्ट भाई कुष्ठी संतान को नहीं देकर गुरु माता या किसी संघ या संस्था के
कार्याध्यक्ष के नाम से भेजने का शिष्य ठाकुर का कहीं भी निर्देश नहीं है, क्योंकि स्टार के चंदा या सहायता नहीं है। जो अपने स्वार्थवश इष्ट निर्देश व्यतिक्रमी बातें बोलते हैं या समर्थन देते हैं, वे इष्ट भाई नहीं है। आत्मस्वार्थ की उपेक्षा कर जो अस्खलित भाव से भ्रष्ट नहीं होकर अच्युत भाव से इष्ट की नीति विधि और उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा को मुख्य कर चलते हैं, वे ही इष्ट भाई है। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीरे सुप्त थे के जयंत तिनी निरंतर, अर्थात गुरु पुरुषोत्तम ही इष्ट है और उनके वंशधर उनके प्रतीक होते हैं। शुक्र वीर्य से रचित शरीर में सुप्त रहते हुए भी वे अपने प्रतीक में निरंतर जीवित रहते हैं। और एक प्रश्न है, इष्टवृद्धि अर्घ्य कितना निवेदन करना उचित है? शिष्य ठाकुर बोले हैं, दैनिक दिन आहार जमन इष्टवृत्ति राखीस तमन एटी जानिस नेहात कम एरो एक कमे की नया विषम पार्ले कमे जासई ना कपट प्रति हसई ना मानी संख्या 20 अनुश्रुति। अर्थात नित्य जैसा आहार करते हो इष्टवृत्ति भी ऐसा ही रखो, यह भी बहुत कम है, इससे भी कम क्या विषम नहीं हो जाएगा? सामर्थ्य रहते इससे कम मत करो, कपट प्रति मत हो। और एक प्रश्न है, स्वार्थ कामी होकर इष्टवृत्ति करने से क्या होता है? शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं, इष्टवृत्ति करार समय स्वार्थ प्रार्थना करिस ने श्रद्धा बंधन दिए मने ओ छाड़ा आर घुरिस ने 8 अनुसूति। अर्थात इष्टवृत्ति करने से अर्थात इष्टवृत्ति करने के समय स्वार्थ साधना के लिए प्रार्थना मत करो, मन को इधर उधर नहीं भटका कर श्रद्धा के बंधन से बांधो। और एक प्रश्न है, दीक्षा लेकर इष्टवृत्ति नहीं करने से क्या होता है? शिष्य ठाकुर बोले, दीक्षा नीले जनिस मने इष्टवृत्ति करते ही है, इष्टवृत्ति विहीन दीक्षा कभू किरे चेतन रहे छे। अर्थात दीक्षा लेकर इष्टवृत्ति करना ही होता है, इष्टवृत्ति विहीन दीक्षा कभी भी क्या सजीव रहती है? और एक प्रश्न है कि इष्टवृत्ति किस प्रकार करना होता है? शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं, राते घूमिए जखन उठिस आराधना करे तखन इष्टवृत्ति अर्घ्य दिए करिस यज्ञ संसाधन 26 अनुश्रुति। अर्थात रात में सोकर जब उठो तब आराधना करने के बाद इष्टवृत्ति अर्घ्य देकर ही यज्ञ का संसाधन करो, यज्ञ को समर्पण करो। जय गुरु।